मैरिटल रेप के बारे में आपने सुना होगा, क्या कहा नहीं सुना है? तो चलिए आज मैं आपको इस बारे में जानकारी दे दूं। पहली बात तो ये कि मैरिटल रेप शब्द को हिंदी में कहते हैं वैवाहिक बलात्संग। इसका मतलब ये है कि पति ने अगर अपनी पत्नी के साथ, जो उसकी वैधानिक पत्नी है, उसके साथ अगर उसकी इच्छा या सहमति के बिना अगर शारीरिक संबंध बनाया है तो इसे मैरिटल रेप कहा जाता है। आपको बता दूं सेक्शन 63 में एक अपवाद है, धारा 63(bn)(s) भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है, जो अभी 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है, उसके सेक्शन 63 में रेप को परिभाषित किया गया है। इसके ही अपवाद में ये कहा गया है कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ, जिसकी की उम्र 18 साल से ज्यादा है, अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन यानी कि लैंगिक संबंध बनाता है तो ये रेप नहीं है। 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें कि दो जजेस की बेंच थी और दोनों ही अपने ओपिनियन में डिवाइडेड थे। और वहीं 2023 में कर्नाटक हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया। इन जजमेंट्स के बाद मैरिटल रेप को लेकर के भारत में स्थिति क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसी बात की सुनवाई कर रहा है कि क्या यह अपवाद हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कई सारे संगठन इस बारे में डिमांड कर रहे हैं कि केवल शादी हो जाना पति को इस तरह का अधिकार नहीं देता कि वह अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करे, दुष्कर्म करे। आइए जानते हैं इस पूरे मैटर को लास्ट तक। अगर आप विवाहित लोग हैं तो आपको इस लेक्चर को लास्ट तक देखना चाहिए, स्पेशली अगर आप विवाहित पति हैं या पत्नी हैं तो। इसके अलावा अगर आप एडवोकेट हैं तो आपको इस बात को समझना ही चाहिए, और बाकी आम जनता को भी देश के कानून को जानना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून की अनुभिज्ञता जो है ये माफी योग्य नहीं होती है। आइए जुड़ जाइए लास्ट तक इस लेक्चर से। तो 11 मई 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट की दो जजों ने अलग अलग फैसला दिया। जस्टिस ऑनरेबल राजीव शकधर, उन्होंने कहा मैरिटल रेप का अपवाद जो कानून है वो रद्द होना चाहिए, मतलब अपवाद को हटा देना चाहिए। वहीं ऑनरेबल जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि यह अपवाद असंवैधानिक नहीं है, इस अपवाद को रेप के परिभाषा के साथ जुड़े रहना चाहिए। 23 मार्च 2023 को कर्नाटक हाईकोर्ट में भी ऐसा मामला पहुंचा और जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने इस मामले में कहा कि तथ्यों के आधार पर इस तरह के यौन हमले दुष्कर्म के लिए पति को पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती है कि वह ऐसा यौन हमला करता रहे। दो अलग अलग हाईकोर्ट की तीन जजेस की अलग अलग ओपिनियन ने मामले को तूल दिया और देश भर में ये बात एक बहस का मुद्दा बनी। तो आपको जैसा कि मैंने बताया भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 63 में जाना होगा। इसके एक्सेप्शन 2 अपवाद 2 में कहा गया है कि मैरिटल रेप कोई अपराध नहीं है, यानी कि पति पत्नी की सहमति या सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध बना सकता है, ये रेप की कोटी में नहीं आता। केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल की, उसमें कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए कई अन्य सजाएं भारतीय कानूनों में मौजूद है। सरकार ने यह भी कहा कि यह मुद्दा कानूनी नहीं है बल्कि ये सामाजिक है, मतलब कानून बनाकर ऐसी बातों से मुक्ति नहीं मिलेगी बल्कि समाज को जागरूक करके ही इस तरह की चीजों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा एफिडेविट में यह भी कहा गया कि अगर मान लेते हैं इस कृत्य को अपराध घोषित करना भी है तो यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सरकार ने यह भी कहा कि सभी स्टेक होल्डर से चर्चा किए बिना इस मुद्दे पर फैसला लेना ठीक नहीं होगा। केंद्र ने कहा कि संसद ने पहले ही विवाह के अंदर शादीशुदा महिला की सहमति की सुरक्षा करने के लिए आईपीसी 498A में उपाय कर रखा था और बीएनएस में सेक्शन 85 में इस बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून, जिसे PWDBA 2005 कहा जाता है, उस कानून में भी सुरक्षा के प्रावधान लागू हैं। तो कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसके अलावा कई तरह की जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं और इन सभी को एक साथ मर्ज करके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर मान लेते हैं शादीशुदा महिला की उम्र 18 साल से कम है, मतलब 18 साल से कम उम्र की किसी महिला की शादी हो गई है और उसका पति उस महिला से शारीरिक संबंध बनाता है उसकी सहमति या बिना सहमति के जैसे भी, तो ये जो काम है ये रेप की परिभाषा में आता है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन वहीं अगर महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है, इस कानून की धारा 3 के तहत ये सेक्सुअल लैंगिक क्रूरता में आता है और यह भी पनिशेबल है। अभी जो बीएनएस नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसके सेक्शन 85 के तहत इसको क्रुएलिटी माना गया है और यह अपराध है।
लेकिन क्या इसे रेप बना दिया जाना चाहिए? इसको लेकर याचिकाकर्ताओं के कई सारे मत हैं। उनका कहना है कि यह समानता गरिमापूर्ण जीवन और सेक्सुअल पर्सनल जीवन में स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ है। उनका यह भी कहना है कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानना विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर पैदा करता है। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के कानून में सेक्शन 375 के अपवाद के रूप में इस बात को जोड़ा गया था, और जब इस बात को जोड़ा गया था उस समय भारत का संविधान लागू नहीं था। संविधान लागू हो जाने के बाद अब इस अपवाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 14 पुरुष और स्त्री दोनों को समानता का अधिकार देता है। मतलब ये कि समान अधिकार होने के बावजूद अगर कानून एक तरफा बात कर रहे हों तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, ये स्वतंत्रताओं का उल्लंघन है जो महिलाओं को दिया गया है। यह प्राण और देह के अधिकार यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि सेक्शन 63 जो BNS है उससे इस अपवाद को हटा दिया जाना चाहिए, और यदि कोई शादीशुदा पुरुष अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा है तो उसे भी रेप के अपराध के लिए दोषी माना जाना चाहिए। आपको बता दूं कि जोनाथन हेरिंग की किताब फैमिली लॉ 2014 के मुताबिक ऐतिहासिक रूप से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में यह धारणा थी कि पति पत्नी का रेप नहीं कर सकता, क्योंकि पति पत्नी की संपत्ति माना जाता था, यानी कि पति का पत्नी के शरीर पर हक बताया जाता था। 20वीं सदी तक अमेरिका और इंग्लैंड के कानून मानते थे कि शादी के बाद पत्नी के अधिकार पति के अधिकारों में समाहित हो जाते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में नारीवादी आंदोलनों के उदय के साथ ही इस विचार ने भी जन्म लिया कि शादी के बाद पति पत्नी के सेक्स संबंधों में महिलाओं की सहमति का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि इतिहास, वर्तमान, कानून इन सब के बारे में ठीक ठीक बात मैं बता चुका हूं। अब हम समझते हैं कि दुनिया में क्या कोई ऐसा देश है जहां पर मैरिटल रेप को भी अपराध माना गया है। तो सबसे पहले सोवियत यूनियन ने 1922 में मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया था। उसके बाद 1932 में जाते हैं तो पोलैंड ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया। ब्रिटेन ने 1991 में, अमेरिका ने 1993 में, आपको जानकारी दे दूं, मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया है। 2019 तक दुनिया के 150 देश मैरिटल रेप को क्राइम मान रहे हैं। UN डेटा के मुताबिक भारत समेत दुनिया के केवल 34 देश ऐसे बचे हैं जो मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानते। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि मैरिटल रेप को अपराध बना दिया जाना चाहिए क्या, और साथ ही इस बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए कि मैरिटल रेप अगर अपराध घोषित कर दिया जाए तो बेडरूम के अंदर पति पत्नी के बीच क्या हो रहा है, इसका सबूत कोर्ट में कैसे दिया जाएगा। तो जरूर आप इस बारे में कमेंट में बताइए हमें। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, और क्योंकि वर्तमान समय में दुनिया के 150 से ज्यादा देश मैरिटल रेप को अपराध मान रहे हैं, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला इस तरफ दे। आप अपना ओपिनियन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जुड़कर, और ऐसी ही कानून की जटिल बातों को आसान शब्दों में समझने के लिए जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।